अपनी राय किसी पे मुसल्लत ना करो। मैं साल लगा रहा था तो बिल्कुल कोई तजर्बा नहीं था, तो साल में अरब जमात मिस्र के बड़े बाअसर लोग मेरे साथ, अब वो सब अल्लाह के फजल से मेरी अरबी ऐसे थी जैसे तुम्हारे शेख रमजी की, अब तो मैं भूल भुला गया हूँ। तो वो मुझसे बहुत मुतासर थे। तो रास्ते में नमाज का वक्त हुआ तो शेख इब्राहिम सोफराता रहमतुल्लाह फौत हो गया, उनका नाम था इब्राहिम, उन्होंने सीट पर ही बैठकर यूं करने लगे तो मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा ला तजूज़ुस्सला कायदन, मैंने कहा इंदना यजूज या शेख, ला अल-क़ियामु फ़र्ज़ुन क़ुम फ़सल्ले। उसका चेहरा गुस्से से लाल सुर्ख हो गया, लेकिन मेरे एहतराम की वजह से मेरा इतना उन पर वजन पड़ चुका था, वो कुछ बोला नहीं, वो मोटा आदमी था, वो खड़े तो भी यूं यूं हो रहा था। मैं कहने ऐवें ही पढ़नी है तो भाई अपनी, मैं अपना फतवा दूसरे पे क्यों मुसल्लत करूं?